हिंदी शिक्षण के दौरान शिक्षक को बच्चों के बीच संवाद यानी डिस्कशन, ठीक, तो बच्चों के बीच डिस्कशन हो रहा है और वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बातचीत हो रही है, ठीक, किसी टॉपिक पे डिस्कशन या नॉर्मल बातचीत हो रही है, इसको प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों का महत्व यानी ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है विषय पर चर्चा करने और फिर उस पर एक लेख लिखने के लिए कहा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, यानी चर्चा परिचर्चा डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे, टॉपिक दिया गया है, किस क्या टॉपिक है, वृक्षों का महत्व यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य, इस चर्चा का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है केवल बच्चों के व्याकरण ज्ञान को परखना, चर्चा में यहाँ पे व्याकरण की थोड़ी बात हो रही है, नियम कायदे कानून की बात थोड़ी हो रही है, वो तो लिखवा लेते फिर। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, विचारों की अभिव्यक्ति यानी जो विचार उनके पास हैं पेड़ों को लेकर के, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है उस पे वो चर्चा करेंगे, तो अब एक्सप्रेस करेंगे खुद को, और लिखित भाषा कौशल विकसित करने का अवसर दिया है। हाँ, लेख लिखने की भी बात हुई है ना, तो लिखित भाषा भी विकसित होगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। बच्चे को विषय के बारे में रटने के लिए प्रेरित करना, ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चों को सटीक उत्तर देने के लिए दबाव डालना, ये एकदम बेकार बात है, दबाव डालना, रटना, डांटना, ये सब बेकार बात है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, सिंपल। तो रचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, विचारों की अभिव्यक्ति होगी, लिखने का कौशल भी व्यक्त होगा, क्योंकि लेख लिखने को कहा है कि क्यों पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, व्हाटएवर बच्चा लिखेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th नंबर क्वेश्चन है, 17वां सवाल कहता है भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी जब टीचर जो है लैंग्वेज टीचर की क्या भूमिका होगी लैंग्वेज को पढ़ाते समय। तो क्या पूछा है हमसे, कक्षा में हिंदी सिखाने के दौरान शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियां कराई हैं, तो हिंदी टीचर हैं और वो ये एक्टिविटीज कराते हैं कक्षा में। पहला है समूह में कहानी लेखन, यानी ग्रुप में कहानी लिखवाई जा रही है, चलो बच्चा एक्टिव है। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ निकालने के लिए शब्दकोश का प्रयोग, यानी बच्चा डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहा है खुद से और कठिन शब्दों को देख रहा है, ये भी एक अच्छी हैबिट है। फिर आता है बच्चों को चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहना, यानी जो चित्र हैं उनको देख के, जो पिक्चर्स होती है ना कई बार किताब में, उनको लेके क्या विचार आ रहे हैं उस पर बात करना। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य क्या है, भाषा बेहतर हो रही कुल मिलाकर के। पहला है बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर सीखने, नहीं भाई, बच्चे एक्टिव हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक की रटने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की भाषा कौशल, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, हाँ बच्चा यहाँ ज्यादा एक्टिव है। बच्चों को रटने और परीक्षा के लिए तैयार करना, ये एकदम खराब है। केवल व्याकरणिक ज्ञान नहीं, बच्चा इस्तेमाल भी कर रहा है, तो यहाँ तो बाकी ऑप्शन इतने कमजोर है कि आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वाइगोत्स्की के बारे में बात हो रही है, वाइगोत्स्की और प्याजे से भाषा में भी क्वेश्चन आते है, क्लियर है मैम, चलिए ठीक है। दीक्षा, दिव्यासा, मंताशा, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं, यानी वो भी इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा एवं चिंतन के बीच का संबंध क्या है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप समझते हैं, सोशियो कल्चरल जो आपकी थियोरी है वाइगोत्स्की की, चिंतन के बीच का संबंध क्या है। देखो आसान क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है एट टाइम्स, किसी सेट में बहुत मुश्किल, किसी में आसान, किसी में मॉडरेट। तो एवं चिंतन के बीच का क्या संबंध है, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग के बीच में या लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, इस पे बात हो रही है वाइगोत्स्की के अनुसार, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे महत्वपूर्ण है थिंकिंग और लर्निंग। इंग्लिश पेडागॉजी भी कराऊंगी, डोंट वरी। भाषा केवल संचार का माध्यम है और चिंतन से स्वतंत्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और सोचने में इसका कोई रोल नहीं है, नहीं भाई, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं बहुत बेहतर, अपनी समझ भी करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। चिंतन और भाषा का कोई संबंध नहीं है, ये कहना तो एकदम ही गलत होगा, वाइगोत्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर है भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भाषा अधिगम क्रिया का मुख्य साधन है। सुनने में बात अच्छी लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, भाषा और चिंतन विकासशील अवस्था में अलग अलग कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है, यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद मर्ज होते आते हैं, जो आपका लैंग्वेज और थॉट है, और लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सीखने का या हमारे अधिगम का। तो लैंग्वेज और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, भाषा अलग, विचार अलग, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, और 3 साल के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग ही काम करते रहते हैं, और विकासशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें पता नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन थर्ड है, नहीं तो हम इसके साथ भी चले जाते, शुरुआत के 3 साल में होता है, या तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा होता, ठीक है ना, चलिए, क्योंकि 3 साल के बाद भी तो विकासशील ही है अवस्था, ऐसा थोड़ी कि तब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्याजे से एक सवाल है, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे,
क्या कहना चाहते हैं प्याजे? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात बोले तो एसिमिलेशन और समायोजन बोले तो एकोमोडेशन की प्रक्रियाएं हैं। ये दो प्रोसेस हैं और ये बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आपको ये देखना है। पहला ऑप्शन है आत्मसात और समायोजन केवल वयस्कों के लिए उपयोगी होते हैं। नहीं भाई, बच्चा जन्म जैसे ही बचपन से बेसिकली जब से उसको भाषा या जो आसपास चीजें वो देखना शुरू करता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुकूलन की प्रक्रिया, अपनी समझ विकसित करने की प्रक्रिया डे वन से शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये तो गलत होगा। आत्मसात का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, यानी एड दी कुछ तो इस तरह का कि एड न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, एड समथिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो है आपका एसिमिलेशन। बात तो सही हो रही है। जबकि समायोजन में पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना, समायोजन बोले तो एकोमोडेशन, इसमें जो पुराने ढांचे को जो आपका स्कीमा है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं नई इन्फॉर्मेशन के बेस पे, यही तो दोनों की डेफिनेशन है। आत्मसात में आप जोड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में वर्तमान जानकारी में, जानकारी का मतलब यहाँ स्कीमा से है, पूर्व ज्ञान में बेसिकली। दोनों प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों को नजरअंदाज करती हैं, ये कहना एकदम गलत होगा। अनुभवों के आधार पर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। आत्मसात और समायोजन केवल भाषा के विकास से संबंधित है, ऐसा कहना भी गलत होगा। ये संज्ञान के विकास से संबंधित है, समझ के विकास से संबंधित है, आपके दिमाग के विकास से संबंधित है। तो आत्मसात और ये भाषा में भी लागू होती है ये बात। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20th, देखिएगा 20वां सवाल कुछ तो बात करने की कोशिश कर रहा है अर्जन और अधिगम के बीच में, जिसपे एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ये सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक, तो टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को से भी हेर फेर के बनाया जा सकता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, जब ये पुराने जमाने में यानी 2016-18 में ये सवाल आता था तो वन लाइन में पूछ लेता था और मुख्य अंतर होता था वातावरण का। अगर आपको किसी भाषा के लिए वातावरण मिला है, एनवायरमेंट मिला है, तो आप उस भाषा को अर्जन कर लेंगे, यानी आप एक्वायर कर लेंगे। यानी आप अमेरिका में रहते हैं तो अंग्रेजी आपने एक्वायर कर ली, भाषा आप हिंदी आपने एक्वायर कर ली, अर्जित कर ली यदि आप इंडिया में रहते हैं। वातावरण का मुख्य अंतर होता है। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन पूछा कुछ और है, और शिक्षक भाषा अर्जन को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीतियां अपनाएं? अर्जन को इसलिए क्योंकि अर्जन नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप एनवायरमेंट से ही भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उठा लेते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अर्जन औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जबकि भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से होता है। उल्टा बोल दिया उन्होंने, अर्जन जो है वो स्वाभाविक रूप से होगा और अधिगम में प्रॉपर औपचारिक शिक्षण लगता है, लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है। अर्जन एक्विजिशन को कहते हैं, जो आपने बस इम्बाइब कर लिया, आपने उठा लिया है, एनवायरमेंट से भर लिया है अपने अंदर। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। भाषा अर्जन स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, जो आप अपने एनवायरमेंट से कार्टून देख के, मम्मी पापा को बात करते हुए देख के, मूवी देख के, आस पड़ोसियों को सुनते हुए लड़ते हुए देख के, व्हाटएवर, आप जो दिमाग में भर ले रहे हैं भाषा, जहां से आप सीख ले रहे हैं पहली भाषा जो मातृभाषा होती है आपकी, आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। मल्टीपल भाषाओं को भी आप अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। जबकि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षण पर आधारित है, ये बात सही है कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, इसके लिए आप व्याकरण पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, ABCD सीखते हैं, 70 चीजें करते हैं, वो लर्निंग है, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? भाषा अर्जन केवल व्याकरण सिखाने पर केंद्रित है। व्याकरण सिखाना, इसमें व्याकरण अपने आप सीख जाता है व्यक्ति, कोई अलग से व्याकरण नहीं सिखाया जाता भाषा अर्जन में। अगर मैंने हिंदी अपने एनवायरमेंट से सीखी तो व्याकरण जरूरी नहीं मैंने वहां सीखा, व्याकरण मैंने स्कूल में जाकर के सीखा होगा। तो भाषा अर्जन में व्याकरण का कोई अलग से शिक्षण होता नहीं है। भाषा अर्जन केवल वयस्कों के लिए होता है, ऐसा नहीं, उपयोगी है सिर्फ, नहीं भाई, बच्चा जन्म से ही भाषा आसपास सुनता है और अर्जित करता है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है। 21वां सवाल देखिएगा फटाफट से। नॉम चॉम्स्की की बात हो रही है, बाबा नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं? बड़े लिंग्विस्ट हैं, यानी भाषाविद हैं नॉम चॉम्स्की, इन पे भी सवाल आता ही है। भाषा अर्जन और अधिगम की जो बातचीत है इन्होंने बहुत अच्छे से की है, ठीक है ना। नंबर 21 है, नॉम चॉम्स्की के भाषा अर्जन यंत्र के सिद्धांत के अनुसार, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD कहते हैं इसको, ठीक, इमेजिनरी डिवाइस है, काल्पनिक है, दिमाग में इंसान मान के चलता है, के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसे स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली होती है और शिक्षक इसे हिंदी शिक्षण में किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है। अब कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, नेचुरली एक्वायर कर सकता है बच्चा, अर्जित कर सकता है, ये बात नॉम चॉम्स्की कहते हैं, क्योंकि मानव शिशु में जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता है, भाषा को एक्वायर करने की क्षमता है जिस एनवायरमेंट में वो रहता है, ठीक। और शुरुआत के जो जीवन के 5-10 साल हैं वहां पे तो ये भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत एक्टिव है, जो दिमाग में भर लेता है जो भी भाषा आसपास बोली जा रही है उसको एब्जॉर्ब करके अपना भाषा प्रयोग वो सीख जाता है बच्चा। बच्चों में भाषा अर्जन केवल अनुकरण के माध्यम से होता है, यानी नकल के माध्यम से, वो कह रहे हैं नहीं जन्मजात क्षमता है, नकल की बात ही नहीं, नकल की बात करेंगे आपके स्किनर, पूछ लिया जाता है अनुकरण की बात कौन कर रहा है भाषा को लेकर, तो स्किनर, ठीक। सेकेंड ऑप्शन, बच्चों के पास जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता होती है और शिक्षक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये बात एकदम सही है। बच्चों को केवल व्याकरण नियम रटवा दो, जी नहीं, अर्जन में ये बात नहीं होगी, अधिगम में, और रटवाना तो
है ही नहीं। भाषा अर्जन बच्चों के लिए केवल किशोर अवस्था में संभव है, ये कहना एकदम गलत है, बल्कि भाषा अर्जन कम उम्र में 5 साल तक आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अर्जन यंत्र है, वो ज़्यादा सक्रिय होता है। वो क्रिटिकल पीरियड है जो 3 से 6 वर्ष है आपकी भाषा विकास के लिए। ठीक, तो बच्चों के पास जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता है, तो प्राकृतिक अगर आप माहौल देंगे तो वो नेचुरली ही स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख लेंगे। ये बात सेकेंड ऑप्शन में कही गई है, जो चॉम्स्की की बात से बिल्कुल, मतलब चॉम्स्की की ही बात है, सहमत क्या है, बिल्कुल चॉम्स्की ऐसा ही कहते हैं। 22वां सवाल देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम चार्ट लेके जाते हैं, है ना, मॉडल्स लेके जाते हैं टीचर, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स जिनको हम कह देते हैं, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स का क्या महत्व है, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स का क्या महत्व है, ये पूछा जा रहा है किसमें, लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स में। तो कई बार आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जो अलग से प्रोनाउंसिएशन मान लीजिए सिखा रहा है, ऑनलाइन टूल्स में अलग अलग गेम्स हो सकते हैं लैंग्वेज को लेकर के, अलग पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई आजकल गूगल अर्थ आ गया है वो दिखा सकते हो आप क्लासरूम में, तो वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही इस्तेमाल हो गया स्क्रीन पे। ठीक, तो इनका क्या महत्व है ये पूछा है, केवल छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, नहीं भाई, समझ बेहतर होगी, सिर्फ व्यस्त रखने के लिए तो कुछ भी करा लो, गाने गवाओ, कुछ भी कराओ। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, यह छात्रों को डिजिटल माध्यम से अपने ज्ञान को विस्तार से समझने में मदद करता है, यानी डिजिटली, डिजिटल मीडियम है एक जिससे बच्चे का जो ज्ञान है वो और विस्तृत होगा। जब आपको कहा जा रहा है इस पे रिसर्च करके आना, कल पढ़ के आना, कोई वीडियो देख के आना इस टॉपिक पे, जल चक्र क्या होता है एक वीडियो यूट्यूब से देख के आना, क्या है ये, डिजिटल माध्यम हो गया एक तरह से, तो इससे हेल्प मिलेगी बच्चे को। यह केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है, जी नहीं, सीखने के लिए भी है, मनोरंजन के लिए फिर बहुत चीजें हैं, केवल खेल कूद के लिए नहीं, आपको बच्चे को सक्रिय रख के सिखाना भी है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है कि डिजिटल माध्यम है। भाई ये सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल क्या है, डिजिटल माध्यम है ना, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से बताइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्बलन सिद्धांत में अंतर व्यक्तिक पुनर्बलन का क्या अर्थ है, और शिक्षक इसे बच्चों के समूह कार्य में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। यानी पुनर्बलन सिद्धांत में, यानी जहां आप बच्चों को रीइन्फोर्समेंट के प्रिंसिपल की जब हम बात कर रहे हैं, जहां गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब हम कह रहे हैं बच्चे को, बच्चे के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जिन शब्दों का, जिन एक्शंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब, या ये जेस्चर्स कर रहे हैं, ये भी पुनर्बलन यानी रीइन्फोर्समेंट में आएगा। तो अंतरव्यक्तिक पुनर्बलन यानी लोगों के बीच की बात हो रही है का क्या अर्थ है, और शिक्षक इसे बच्चों के समूह कार्य में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, यानी जब ग्रुप वर्क चल रहा हो तो क्या करें। यह व्यक्तिगत रूप से बच्चों को पुरस्कार देने का तरीका है, जब अंतरव्यक्तिक लिख दिया तो इसका मतलब मल्टीपल लोग वहां मौजूद हैं, तभी इंटरपर्सनल बना है वो। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों के समूह कार्य के दौरान सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी बच्चों के समूह कार्य के दौरान यानी ग्रुप वर्क के दौरान सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए है। बात तो सही है, जब वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो जो सोशल और इमोशनल व्यवहार है वो प्रोत्साहित हो रहा है, क्योंकि आप गुड, वेरी गुड, बढ़ावा दे रहे हैं किसी को, बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड यही था, थर्ड देखते हैं, यह केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित गतिविधियों में, नहीं भाई, ये नेचुरल एनवायरमेंट में हो रहा है। यह केवल बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वो ऐसा कोई दौड़ लगवाने वाली बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है, तो सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24वां सवाल कुछ तो कहना चाहता है, फटाफट से समझिए, वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार, समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, और यह शिक्षकों को बच्चों की अधिगम क्षमता को समझने में कैसे मदद करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो दायरा जहां संभावना है कि अभी विकास आपका हो सकता है यदि आपको सही मदद दी जाए। पहला ऑप्शन है ZPD जिसको हम कह दे रहे हैं, संभावित विकास जहां संभव है, बेसिकली यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल कर सकते हैं, नहीं, यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से और किसी की मदद से, इन दोनों के बीच का अंतर ZPD है, ठीक। यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चों को शिक्षक या सहपाठियों की सहायता की आवश्यकता होती है, हाँ कह सकते हो। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, यह वह क्षेत्र है जो बच्चों के लिए बहुत कठिन है और इसे नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है, मदद से समझ सकते हैं। फिर आते हैं, यह वह क्षेत्र है जो केवल जैविक परिपक्वता पर आधारित है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात तो वाइगोत्स्की कर ही नहीं रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है, यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चों को शिक्षक या सहपाठियों की सहायता की आवश्यकता होती है, यानी ZPD वो दायरा है जहां बच्चों को यदि मदद दी जाए, स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा दिया जाए, यानी ये है बच्चा जो खुद से कर सकता है स्वयं से, ये वो दायरा है जहां ZPD वाला दायरा है ये, जहां उसको हेल्प मिल जाए तो वो यहां तक पहुंच सकता है, तो ये टेम्परेरी हेल्प की आपका दायरा है ZPD, वो स्पेस है, वो डिफरेंस है जहां वो खुद से जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है उसके बीच के डिफरेंस को हम ZPD कह रहे हैं।
ठीक, आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की का हम चैप्टर कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एक बार उसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है, 25वां सवाल। ये कहता है व्याकरण शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के लिए लाभदायक होती हैं, यानी हेल्पफुल होंगी, किस प्रकार की एक्टिविटीज जब आप ग्रामर टीचिंग कर रहे हैं। तो एक शिक्षक ने व्याकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित विधियां अपनाई, एक एक करके आपको सारी विधियां देखनी है। उदाहरण के साथ नियम समझाए, यानी पहले एग्जाम्पल दिए और फिर नियम बताए, इसको हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक विधि कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहते हैं, कि पहले आपने संज्ञा के उदाहरण दिए फिर संज्ञा की परिभाषा बताई। खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास कराना, बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, ये भी इंडक्टिव मेथड भी अच्छा होता है। बच्चों को स्वयं वाक्य बनाने के लिए कहना, तो बच्चा फिर से यहाँ एक्टिव है। त्रुटियों पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी, यानी फीडबैक दे रहे हैं जहां जरूरत है, जहां गलतियां हो रही हैं, ये भी सही है। चारों ही सही है, सक्रिय भागीदारिता और त्रुटि सुधार चारों में ही हो रहा है, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित नहीं है, केवल व्याकरण रटवाने की बात नहीं हुई है, बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज भी नहीं किया गया। तो चारों ही सही है, चारों में ही बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26वां सवाल क्या कहता है भाई, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ तो कहना चाहता है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सामग्री का चयन कैसे किया जाना चाहिए, यानी जब आप लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल कैसे चूज करेंगे, ये पूछा है आपको, है ना, ये आपको पूछा है। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चुनी है, अब कुछ सामग्री है जो टीचर ने चुनी है, चित्र और फ्लैश कार्ड, यानी पिक्चर्स का यूज किया है, फ्लैश कार्ड का यूज किया है, फ्लैश कार्ड नहीं होते छोटे छोटे, ठीक, बाल कविताएं और कहानियां, यानी जो चिल्ड्रन लिटरेचर है, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, उन सबका इस्तेमाल किया है, दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा, तीनों में ही बच्चा एक्टिव है, तीनों ही सामग्रियां सही हैं। बच्चों को विषय में रुचि दिलाना, हाँ, इंटरेस्ट क्रिएट होगा बच्चे का और सरलता से समझ जाएगा। बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक की बात नहीं हुई है, सिर्फ रटने की बात नहीं हुई है, जटिल सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, कठिन और जटिल नहीं, आसान सामग्री जो और इजी बना दे, रुचि दिलाए, रुचिकर बन जाए, यानी इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को और सरलता से सीख पाए, ऐसी ही सामग्री है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है यहाँ पे और चाइल्ड सेंटर्ड ही मेथड और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, हिंदी शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच का महत्व क्या है, बताइए। होलिस्टिक यानी समग्र का मतलब ये है जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर ले, हर एक पहलू को देख ले। पहला ऑप्शन है बच्चों के सभी भाषा कौशलों का समग्र विकास करना, यानी सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब जो भाषा कौशल है इन सब का इस्तेमाल सब एकीकृत रूप से विकसित हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे, केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ व्याकरण रटवाना एकदम खराब तरीका है, संदर्भ में व्याकरण सिखानी होती है, कॉन्टेक्स्ट में, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम अलग से रटवा दो आप। तो व्याकरण व्याकरण चिल्लाना बहुत अच्छी बात नहीं है, संदर्भ में व्याकरण जहां लिखा हो वो पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को केवल लिखने तक सीमित रखना, केवल लिखने क्यों, सारे जो कौशल है, भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सबका इस्तेमाल कराओ। बच्चों को उनकी त्रुटियों पर डांटना, ये भी गलत है, डांटना फटकारना तो आपको अलाउड ही नहीं है। बच्चे के सभी कौशलों का समग्र विकास, यानी जब आप बच्चों को लिखने के लिए भी कह रहे हैं, बोलने के लिए भी कह रहे हैं, नाटक मंचन के लिए भी कह रहे हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब उसमें, कविता गायन के लिए भी कह रहे हैं, तो सब कुछ शामिल हो गया। बच्चे के चारों भाषा कौशल जो हैं एक साथ विकसित हो रहे हैं, जो एकीकृत होते भी हैं, इंटीग्रेटेड होते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अभिरुचि परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य क्या है और शिक्षक इसे हिंदी शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों को समझने और सुधारने के लिए किस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। तो अभिरुचि परीक्षा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को जांचने के लिए है, ये कोई मेंटल हेल्थ का परीक्षण थोड़ी है। एप्टीट्यूड मतलब आपका किस क्षेत्र में आपके अंदर क्षमता है बेहतर करने की, तो इंटरेस्ट भी उस क्षेत्र में होना चाहिए आपके अंदर, एप्टीट्यूड है यानी एबिलिटी है कि उस विशेष क्षेत्र में आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक। सेकंड ऑप्शन यह है परीक्षा केवल बच्चों के एकात्मक रुझानों को नापने के लिए, यानी जो एकमात्र उनका रुझान है एक ही तरफ, ऐसा नहीं है, यह छात्रों के व्यक्तिगत रुचियों को जानने और उनके अध्ययन के क्षेत्र को सही दिशा देने के लिए होती है। शिक्षक इसे बच्चों की रुचियों को पहचानने और शैक्षिक सामग्री में सुधार लाने के लिए लागू कर सकते हैं कि भाई बच्चा किस तरफ जा सकता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, वो उसको क्या दिशा दें हम, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, तो एप्टीट्यूड बेसिकली उसकी रुचि किस तरफ है और उसमें क्षमता किस तरफ जाने की, उस तरह से फिर उसको सिखाया जाए। अभिरुचि परीक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों की विषय विशेष जानकारी, जी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ बेहतर है और बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव भी आपको थर्ड ऑप्शन में ही नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दक्षता परीक्षा या कॉम्पिटेंसी टेस्ट या प्रोफिशियंसी टेस्ट भी इसको हम कह देते हैं, ये क्या कहती है भाई, दक्षता परीक्षा का उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है और शिक्षक इसे हिंदी कक्षा में विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षमता को मापने के लिए किस प्रकार प्रभावी रूप से यूज कर सकता है, कि बच्चे कितना दक्ष हैं, जो उन्होंने पढ़ा है उसमें कितने प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है ना। गुल अफसान कुछ अलग से निकाल करके लाएंगे जिससे कि मजे भी आए, है ना।
दक्षता परीक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को उनके अकादमिक प्रदर्शन में कमी बताना है, यानी कहाँ कमी रह गई ताकि उन्हें सुधारा जा सके, तो ऐसा नहीं है। दक्षता तो ये देखती है किस हद तक अचीव हो पाए जो आपके कौशल थे। दक्षता परीक्षा छात्रों के शैक्षिक कौशल और उनकी विषय विशेष समझ का मूल्यांकन करने के लिए होती है, जिसे शिक्षक व्यावहारिक परीक्षणों और संचार गतिविधियों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। यहाँ पे वो वाला फंडा लागू हो रहा है कि पेडागॉजी में जो लंबा वाला ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, वो सही है, जो बहुत बार ये तुक्का फिट बैठ जाता है, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, दक्षता परीक्षा केवल इस केस में आपको पढ़ के देख लेना है कि क्या ये पॉजिटिव भी है, बच्चे के भले की बात कर रहा है तो ठीक है। दक्षता परीक्षा केवल छात्रों की मानसिक स्थिति को मापने के लिए नहीं होती, ये कोई मेंटल परीक्षण नहीं है। दक्षता परीक्षा छात्रों को निष्क्रिय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को पैसे बना दो। एक ही ऑप्शन सही है कि दक्षता परीक्षा छात्रों के शैक्षिक कौशल और उनकी विषय विशेष समझ का मूल्यांकन करने के लिए होती है कि उनको कितना आता है किसी एक भाषा के क्षेत्र में या जो भी उन्होंने सीखा है साल भर में, तो वो कितना जानते हैं उस चीज को जो उन्होंने पढ़ा है, और सॉरी जिसे शिक्षक व्यावहारिक परीक्षणों और संचार गतिविधियों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पर टेस्ट लेकर के ही पता किया जा सकता है कि बच्चा कितना प्रोफिशिएंट है, कितना दक्ष है, कितने बेहतर ढंग से सीख पाया जो उसको सिखाया गया क्लासरूम में या पढ़ाया गया, या जो भी उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हो पाई नहीं हो पाई, और किस लेवल तक हो पाई अगर हुई तो।